आदमपुर में फंसने वाले हैं भव्य बिश्नोई। 2024 के विधानसभा चुनाव में बचा पाएंगे दादा की विरासत। निर्दलीय कैंडिडेट रेणु चहल ने दिया कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन। कांग्रेस कैंडिडेट चंद्र प्रकाश के लिए करेंगी चुनाव प्रचार। रेणु चहल के साथ से चंद्र प्रकाश बढ़ा पाएंगे भव्य की मुश्किलें। हरियाणा में हिसार की आदमपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक होता जा रहा है। इस विधानसभा हलके के तहत आते 11,000 से अधिक वोटों वाले बालसमंद गांव की रेणु चहल ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। विधानसभा के काबरेल गांव में आयोजित कांग्रेस की रैली में रेणु चहल ने कांग्रेस कैंडिडेट चंद्र प्रकाश को समर्थन देने का ऐलान किया। इसी रैली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रेणु चहल को कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कराई। रेणु चहल ने खुद आदमपुर सीट से बतौर निर्दलीय कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया था और पिछले कई दिनों से वो इलाके में अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई थी। ऐसे में आदमपुर से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे चंद्र प्रकाश को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। रेणु चहल ने कहा कि वो अब अपने लिए नहीं इलाके में चंद्र प्रकाश के लिए प्रचार करेंगी। बालसमंद की रेणु चहल आदमपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हुई थी। उनके कांग्रेस ज्वाइन करने से लेकर आदमपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनौतियां बढ़ गई है। कांग्रेस के मंच पर दीपेंद्र हुड्डा के अलावा पार्टी के हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी ने गुलदस्ता देकर रेणु चहल को पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर रेणु ने कहा कि आज के हरियाणा की राजनीतिक हालात को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस सब के बीच अलग अलग विधानसभा से अलग अलग खबरें भी सामने आ रही है, फिर चाहे रेणु चहल के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की हो, इस सब के बीच भीतरघात और बगावत भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई है। लेकिन इस सब में अब समझना ये होगा कि रेणु चहल के कांग्रेस को समर्थन देने के बाद क्या भव्य बिश्नोई के लिए आदमपुर की सीट निकालना मुश्किल हो सकती है। आपको बता दें कि आदमपुर की सीट एक तरह से भजनलाल की सीट है और लगातार इस सीट पर भजनलाल और उनका परिवार जीतता आ रहा है। चंद साल पहले भव्य बिश्नोई ने इसी सीट से अपने पिता के इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या 2024 में भव्य बिश्नोई इस सीट को बरकरार रखने में कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।